राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर में 18 जनवरी को 11वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाएगा। ये जानकारी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक प्रोफेसर ललित कुमार अवस्थी ने दी। उन्होंने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि 11वें दीक्षांत समारोह में केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। वहीं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। दीक्षांत समारोह में 2020 के पास आउट छात्रों को यूजी पीजी और पीएचडी स्तर पर 1026 उपाधियां प्रदान की जाएंगी, जिसमें 24 पीएचडी, 350 पीजी और 652 यूजी उपाधियां प्रदान की जाएंगी। इनमें पीएचडी, एमटेक, डुअल डिग्री, एमएससी और एमबीए की उपाधियां प्रदान की जाएंगी। इस दौरान स्नातक छात्रों के माता पिता व अन्य मेहमान भी ऑनलाइन माध्यम से मौजूद रहेंगे। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक प्रोफेसर ललित कुमार अवस्थी ने बताया कि 18 जनवरी को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में 11वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। वहीं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि इस दौरान 1026 छात्रों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर का 11वां दीक्षांत समारोह 18 जनवरी 2021 को वर्चुअल मोड के माध्यम से किया जाएगा। इस अवसर के मुख्य अतिथि माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार श्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी होंगे और कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री अनुराग सिंह ठाकुर माननीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री भारत सरकार होंगे। इसकी अध्यक्षता बोर्ड ऑफ गवर्नर के चेयरमैन माननीय अध्यक्ष प्रोफेसर चंद्रशेखर जी करेंगे और इसमें बोर्ड के सदस्य सेनेटर उपस्थित होंगे। इस दीक्षांत समारोह में 2020 के पास आउट यूजी पीजी और पीएचडी स्तर की 1026 उपाधियां प्रदान की जाएंगी। इसमें से 24 पीएचडी, 350 पीजी और 652 यूजी उपाधियां प्रदान की जाएंगी। इनमें पीएचडी, एमटेक, ड्यूअल डिग्री, एमआर्क, एमएससी और एमबीए की उपाधियां शामिल हैं। यह समारोह संस्थान के ऑडिटोरियम हॉल में संबंधित व्यक्तियों की सीमित उपस्थिति के साथ आयोजित किया जाएगा और इसमें सभी स्नातक छात्रों, उनके माता पिता, प्रतिष्ठित पूर्व छात्रों, आमंत्रित मेहमानों और अन्य सभी के लिए ऑनलाइन वेबकास्ट किया जाएगा। संस्थान मेधावी छात्रों को उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए सम्मानित करेगा। इस प्रक्रिया में एक छात्र को वर्ष 2020 के लिए सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर छात्र के रूप में उसकी उपलब्धि के लिए निदेशक पदक से सम्मानित किया जाएगा। साथ ही इंजीनियरिंग के विभिन्न विषयों के प्रथम और द्वितीय टॉपरों को उनकी उपलब्धियों के लिए क्रमशः गोल्ड व सिल्वर मेडल प्रदान किए जाएंगे। इन टोटल विभिन्न शाखाओं में 9 छात्रों को स्वर्ण पदक और 9 ही छात्रों को रजत पदक से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा कुल 24 गोल्ड मेडल पोस्ट ग्रेजुएट स्तर पर अपनी उपलब्धियों के लिए विभिन्न विषयों के टॉपरों को प्रदान किए जाएंगे। संस्थान में पहले हमने एक अपना ये इसका एनर्जी और एनवायरनमेंट का एक प्रोग्राम था हमारा, जो कि सेंटर बंद हो गया था, तो उसको फिर से सुचारू रूप से चलाने के लिए एक कमेटी बनी है ताकि उसमें देख रहे हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं फ्यूचर के लिए। दूसरा एक प्रोग्राम हमने शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, वो है एम डेस्क और बी डेस्क। तो डिज़ाइन का एक डिपार्टमेंट ऑफ डिज़ाइन शुरू करना चाह रहे हैं, जिसमें कि डिज़ाइन की एमटेक की डिग्री के लिए पहले शुरू करेंगे, उसके बाद फिर बी डेस्क की डिग्री शुरू कर। उन्होंने कहा कि संस्थान की रैंकिंग में थोड़ी गिरावट जरूर आई है, लेकिन संस्थान द्वारा रैंकिंग के विभिन्न मापदंडों पर काम किया जा रहा है। संस्थान में लैबों के सुदृढ़ीकरण के लिए 15 करोड़ रुपए स्वीकृत करवाए गए हैं।
संस्थान की रैंकिंग में थोड़ी गिरावट जरूर आई है, लेकिन संस्थान में बहुत पोटेंशियल है और जो रैंकिंग के विभिन्न मापदंड हैं उनके ऊपर काम किया जा रहा है, जैसे कि हमने रिसर्च और बच्चों के पाठ्यक्रम और प्रैक्टिकल एजुकेशन के लिए संस्थान में बोर्ड ऑफ गवर्नर ने 15 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं ताकि जितने भी संस्थान की लेबोरेटरीज हैं उनको सुदृढ़ किया जाए और उसमें रिसर्च फैसिलिटीज क्रिएट की जाएं। साथ में टीचिंग लर्निंग में जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो फैकल्टी का है, तो फैकल्टी की रिक्रूटमेंट खासकर जो प्रोफेसर लेवल पे काफ़ी सालों से बंद पड़ी है तो उसको प्रोफेसर लेवल पे रिक्रूटमेंट करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ताकि प्रोफेसर लेवल से हम लोग ला पाएं बाहर से भी और अंदर के लोगों की भी प्रमोशन हो सके और वो सभी लोग संस्थान के लिए कंट्रीब्यूट करें। उन्होंने कहा कि बच्चों द्वारा कक्षाएं शुरू करने के लिए कहा जा रहा है, जिसके मद्देनजर फरवरी माह में सरकार की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए कक्षाएं शुरू की जाएंगी। कक्षाएं शुरू करने के लिए छात्रों ने से काफी रिक्वेस्ट आ रही हैं और संस्थान की कक्षाएं अगर हम बहुत जल्द भी सोचेंगे तो मुझे लगता है कि फरवरी माह में एनआईटी हमीरपुर में कक्षाएं सुचारू रूप से चल सकती हैं, लेकिन उन सब के लिए एक इंस्टीट्यूट लेवल का अपना कोड ऑफ कंडक्ट होगा, हर स्टूडेंट हर छात्र को वो मानना पड़ेगा ताकि हम इस कोविड त्रासदी से निपट सकें और हमारे बच्चे सुरक्षित रहें। तो सुरक्षा में कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा, बच्चों की टीचरों की या अभिभावकों की किसी भी सुरक्षा में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। 34 वर्षों के बाद हमारे देश को नई शिक्षा नीति मिली है, इसके लिए मैं धन्यवादी हूँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और शिक्षा मंत्री भारत सरकार श्री रमेश चंद पोखरियाल जी का। इस शिक्षा नीति को लागू करने के लिए एनआईटी हमीरपुर प्रयासरत है, हमने एक वेबिनार कराया जिसमें 12 संस्थानों के निदेशकों ने पार्टिसिपेट किया कि इस नई शिक्षा नीति को एनआईटी में कैसे हम लागू कर सकते हैं, उसके लिए कोई रोड मैप बनाएं। इसका पहले फेज में हम लोगों ने ये डिसाइड किया, हमारी एनआईटी हमीरपुर की सेनेट ने ये डिसाइड किया है कि हम मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जिससे कि अगर कोई बच्चा बीटेक में फर्स्ट ईयर के बाद जाने छोड़ना चाहता है तो उसको सर्टिफिकेट देंगे, सेकंड ईयर के बाद डिप्लोमा देंगे, थर्ड ईयर के बाद पोस्ट डिप्लोमा देंगे और जो ड्यूअल डिग्री के बच्चे हैं अगर वो फोर्थ ईयर में छोड़ना चाहते हैं तो उनको हम बीटेक की डिग्री प्रदान करेंगे। इस तरह से ये बच्चे लेटर स्टेजेस पे वापिस आ करके वहीं पे ज्वाइन भी कर पाए, इसके लिए संस्थान एक एकेडमिक क्रेडिट्स का बैंक उसको रखेगा, जिसमें कि बच्चों के जितने क्रेडिट उन्होंने लिए हैं वो स्टोर रहेंगे और किसी भी लेटर स्टेज पे अगर वो अपने पाठ्यक्रम को फिर से पुनः शुरू करना चाहता है तो उसको वो शुरू करने की इजाज़त दी जाएगी। इसमें ये ज़रूर है कि अभी तक हमने इसको एनआईटी हमीरपुर के लिए लिमिटेड किया है, लेकिन जल्दी ही हम नेक्स्ट स्टेप में इसको किसी भी एनआईटी के बच्चे के लिए खोल सकते हैं, बस वो प्रोवाइडेड ये है कि जो एकेडमिक क्रेडिट और बैंक अगर उनके संस्थान में भी है तो वहाँ से उसको एक सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा और हमारे पास जितनी वैकेंसीज होंगी उसके हिसाब से हम उन छात्रों को फिर इस संस्थान में एडमिशन दे पाएंगे। इस नए मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट का जो फायदा है वो एग्जिस्टिंग बच्चों को भी दिया जाएगा, वो भी एग्जिट ले सकते हैं और ड्यूअल डिग्री के एग्जिस्टिंग बच्चों को भी हम ये फैसिलिटी
एक्सप्लेन करें। जो संस्थान में थोड़ा ये पीछे कुछ कमियां रही कि फाइल्स या हमारा जो सुचारू रूप से अप्रूवल्स हैं उनमें टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता था और परचेज भी उससे बाधित होती थी, तो उसी को देखते हुए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स से परमिशन लेकर के हमने डिसेंट्रलाइजेशन की है और जो शक्तियां हैं वो अब HOD लेवल तक एक्सटेंड की है। तो 5 लाख तक की परचेज जो है वो हर HOD या कोई प्रोजेक्ट का PI जो है वो कर सकता है और उसको सिर्फ जो भारत सरकार के मापदंड हैं जैसे GFR है वो फॉलो करना है और वो परचेज कर सकते हैं। तो इससे परचेज में प्रोसेसिंग में फास्ट हुआ है, साथ में जो फाइल्स महीना दो महीना या 6 महीने पास नहीं होती थी उसके लिए ये प्रावधान किया गया है कि कोई भी आदमी 2 या 3 दिन से अधिक फाइल को अपने पास नहीं रखेगा ताकि कोई भी फाइल की अप्रूवल 1 वीक के अंदर अंदर कंप्लीट की जा सके। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नीति है, भारत सरकार की जो नीति है उसको ही हम सर्विस सेक्टर में किसी भी तरह की सर्विस, चाहे सिक्योरिटी है चाहे हमारे पास ये सफाई कर्मचारियों के, तो वो उसको फॉलो करना मैंडेटरी है। तो उसके हिसाब से हम टेंडर करते हैं और उस टेंडर में जो भी पार्टिसिपेट कर सकता है, एक्स सर्विसमैन भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। अगर वो टेंडर प्रक्रिया से आएंगे तो हमें खुशी होगी कि वो संस्थान को सर्विसेज दें, क्योंकि हर टेंडर करने की लिमिट पहले से सेट कर रखी है, तो अगर वो लिमिट क्रॉस हो जाती है तो संस्थान के पास कोई विकल्प नहीं है कि हम डायरेक्ट किसी को एंगेज कर सकें।